हमारी काफ़ी देर राहुल जी, खड़गे जी और वेणुगोपाल जी, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, गहलोत साहब, सचिन जी, अध्यक्ष जी और भंवर साहब, हम सभी वहाँ मीटिंग काफ़ी लंबी चर्चा हुई। और जो हमारा वोट शेयर था वो बहुत कम है बीजेपी से, और बहुत कई कैंडिडेट्स हमारे बहुत कम वोटों पर हारे। ऐसे कैंडिडेट भी हैं जो 1500 से भी कम हैं, उनके सबके ऊपर चर्चा हुई। और साथ ही हमने आज से ही उनको बोल दिया है कि हम पार्लियामेंट की तैयारी करेंगे, और जहाँ जहाँ कोई हमें खामियाँ रहेगी, कमियाँ थी, उनको हम पूरा करके और एकजुट होकर इलेक्शन जो है लड़ेंगे। और पिछली जो इलेक्शन है वो भी आप देख रहे हैं कि पूरी कांग्रेस एकजुट थी और एक आवाज़ में पूरी कांग्रेस ने वहाँ इलेक्शन लड़ी। हमारा जो बूथ लेवल का जहाँ मंडल अध्यक्ष थे, जहाँ दूसरे ब्लॉक प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, उन्होंने खूब काम किया कांग्रेस के वर्कर्स ने, उनके लिए उनको भी धन्यवाद मैं करता हूँ। और जो हमारे लीडर्स साहबान हैं, इन्होंने भी आज कहा है कि जो पार्लियामेंट है उसका आज से ही तैयारी करनी चाहिए और हमें फाइट करनी है और लोगों को बताना है कि हम जीत कर आएंगे। देखिए, हमने उनको कहा कि जो हैं वो कर देंगे। उन्होंने कहा कि राजस्थान में बहुत बेटर जो है परफॉर्मेंस रही है बाकी स्टेटों की, और आपने देखा है कि कभी भी बहुत देर बाद कांग्रेस इतनी सीटों पर पहुंची है और वोट शेयर हमारा डाउन नहीं आया। हमारा आधा मेरे ख्याल 40.44% हम पहले से बड़े हैं। तो वहाँ जो इलेक्शन थी उसके बारे में हमने बात की। और देखिए, मैं तो एक यही चाहता हूँ, मैंने तो पहले भी कई बार कहा था कि मैं असेंबली तक ही रहना चाहता हूँ, उसके बाद मैंने पंजाब में भी जाकर वापस काम करना है। तो जो इंचार्ज होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं, जो सीएम होते हैं, उनका काम है इलेक्शन लड़ना। और हम वहाँ हम पता नहीं कैसे पीछे रह गए, जिसके इसके बारे में भी हम सोचेंगे कि क्यों रहे और इतना वोट शेयर, कम वोट शेयर पर, इतने कम वोटों पर कई कैंडिडेट हमारे जो हारे हैं उनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। थैंक यू। बदलाव तो तब होगा अगर हम गए नीचे गए। वो देखिए, हार का कारण मैंने आपको बता दिया कि हम अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेंगे, अभी देखेंगे। थैंक यू।